इस बीच क्रिसमस से पहले पश्चिमी देशों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आर्कटिक से बर्फीला तूफान उठा है जो बेहद खतरनाक है। इसे बॉम्बर साइक्लोन तक कहा जा रहा है। इसकी वजह से अमेरिका और कनाडा में जबरदस्त ठंड बढ़ी है। अमेरिका के कई शहरों का तापमान -30 डिग्री तक पहुंच चुका है। हजारों फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है इस तूफान की वजह से। ये प्रकृति का प्रचंड रूप है। बर्फ की बेतहाशा बारिश के बीच ये सर्दी की स्ट्राइक है। ये श्वेत सर्द तूफान है जिससे अमेरिका में कोहरा मचा हुआ है। देख लीजिए ये दृश्य, कैसे बर्फ का बवंडर उठा हुआ है, किस तरह से इंच इंच बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ है। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है, कनाडा भी बर्फीली हवा से दो चार हो रहा है। स्थिति इतनी भयानक है कि 5 से 7 मिनट में खुली त्वचा को जमा सकता है। जानकार इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं। अमेरिका में यह बर्फीला कहर दरअसल आर्कटिक से उठे बॉम्बर साइक्लोन का असर है। बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान उठा हुआ है। कुदरत के कहर से अमेरिका के शहर दर शहर सर्द होते जा रहे हैं। मिनियापोलिस और सेंट पॉल शहरों में 8 इंच से ज्यादा की मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। इस बर्फीले तूफान की वजह से कई शहरों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। शिकागो के आसपास के इलाके का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सर्द बर्फीली हवाओं के बीच कोलोराडो का तापमान -23 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। व्योमिंग में तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया है। फ्लोरिडा में 30 साल में सबसे ठंडा क्रिसमस देखने का अनुमान है। अमेरिका के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बर्फबारी, तेज बर्फीली हवाओं और जानलेवा ठंड क्रिसमस तक यू ही रहेगी। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में 22 और 23 दिसंबर को 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। इससे लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बॉम्बर साइक्लोन की स्थिति कैटेगरी 1 चक्रवात जैसी ही होती है। ये अचानक से खतरनाक बनता है। अमेरिका में कहर मचा रहे तूफान का प्रेशर अगले 24 घंटे में 24 मिलीबार तक गिर सकता है। आर्कटिक से आ रही हवाएं अमेरिका के मध्य और दक्षिणी हिस्से तक असर डाल रही हैं। अमेरिका की करीब 60% आबादी इससे प्रभावित है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसे लेकर लोगों को आगाह किया है। ये बर्फीला तूफान सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कनाडा में भी कोहरा मचा रहा है। कनाडा में भी बड़ी तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान इतना ज्यादा गिर जाएगा कि उस ठंड को बर्दाश्त करना लोगों के लिए असंभव जैसा हो जाएगा। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।